देखो ना कितना बड़ा है यार, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मतलब भाई साहब अंदर एंट्री करने के टाइम पे ना आपको ये सब पहनना पड़ता है इस तरीके से, आप डायरेक्टली नॉर्मल कपड़ों में नहीं जा सकते अंदर। मॉर्निंग के 6:50 हो चुके हैं, हम लोग अभी 7 बजे निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो रहेगा अतिरापल्ली वाटरफॉल की तरफ से हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी की तरफ। तो एनीवेज कैसे क्या आप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका सबका प्यार मेरा मिथ मुंबई कर। कल हम लोग अतिरापल्ली वाटरफॉल आए थे, यहाँ पे वहीं पे हमने स्टे किया था, हमारा है स्टे यहाँ पे। और अगर ये वहाँ पे देखोगे ना, वहाँ पे वाटरफॉल दिख रहा है, देखो मतलब ये हमको मॉर्निंग में पता चला भाई कि वाटरफॉल यहाँ से दिख रहा है। बहुत प्यारा वेदर है यहाँ पे, वेदर मतलब वेदर थोड़ा उमस उमस टाइप का है, मतलब वैसा है, थोड़ा ग्रीनरी है हर जगह पे। तो अभी फटाफट हमको ना टाइम आज वेस्ट नहीं करना, आज अराउंड 350 किलोमीटर चलाना है, तो हमको लेट नहीं होना है। और बीच में भी एक मंदिर भी जाना था, तो देखते यार कैसे पॉसिबल हो पाएगा। हेलो भाई, गणपति अप्पा मोरिया, श्री स्वामी समर्थ। आज अपन जाने वाले हैं कन्याकुमारी साइड में, बट उसके पहले पद्मनाभन टेम्पल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली है ना, प्रॉपर वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 7 आवर्स बता रहा है वो टेम्पल तक, टेम्पल से आगे और 2-3 घंटा जाएगा। कन्याकुमारी में हम लोग ने वैसे स्टे वगैरह सब बुक करके रखा हुआ है, होप सो टाइम पे सब पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ से हाईवे पकड़ने के लिए शायद से 1 घंटा जाएगा, बट जो भी प्लेस था भाई बहुत बढ़िया प्लेस था एक्चुअली, क्योंकि रूम था ना, रूम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बहुत स्पेशियस रूम था यहाँ का। और जो रूम से व्यू दिख रहा था, मतलब डायरेक्टली वाटरफॉल दिख रहा था भाई, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, रात भर हम लोग ने देखा नहीं, बट मॉर्निंग में उठने के बाद में देखा तो भाई वाटरफॉल तो यहीं पर था बाजू में। अभी यहाँ से एक लेफ्ट बताया है अंदर अंदर वाले रास्ते से, 2 रास्ते बता रहे हैं, एक हाईवे से भी है एक, भाई तो सरल दाखो तो है कन्याकुमारी। हाँ तमिलनाडु कर इंग्लिश हिंदी दिस वन, हाँ त्रिवेंद्रम दिस रोड ना, ओके थैंक यू। यार हाईवे नहीं मिल रहा, रास्ते सब अंदर अंदर से, ये गूगल मैप है ना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है यार। कितना अंदर अंदर से जा रहे हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी ना यार पहुंच पाएंगे। हाईवे तो आज नहीं मिलने वाला है दोस्तों, आज ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा बैठ के थोड़ा सोच लिया, थोड़ा प्लान में चेंज करेंगे। एक्चुअली हम लोग ने होटल बुक करके रखा हुआ था कन्याकुमारी साइड में, बट वो कैंसिल करना पड़ेगा आज के दिन के लिए, क्योंकि मंदिर भी करना है, तो त्रिवेंद्रम में रुक जाएंगे हम लोग, तो आज का स्टे रहेगा त्रिवेंद्रम में, तो वो एक बेटर गिरेगा। और कल हम लोग निकलेंगे कन्याकुमारी साइड में और वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बट वो पार्ट कल के दिन पे रहेगा। आज का दिन भी कल के जैसे ही रहेगा, 3 बजे का टाइमिंग अराइवल टाइमिंग बता रहा है, पकड़ लो 4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और 4 के बाद में फिर फटाफट होटल में चेक इन करके हम लोग टेम्पल के लिए निकल जाएंगे। टेम्पल तो कुछ भी करके करना ही है। चलो भाई, केरला में कुछ तो बारिश मेरे को दिखा, मतलब बारिश तो नहीं मिला बट रोड गीला है पूरा का पूरा, मतलब कुछ तो यहाँ पे अच्छा खासा बारिश गिर के हो गया है। हम लोग एग्जैक्टली कौन से स्पॉट पे पता नहीं, बट ऊपर है ना मेरे को एक मंदिर जैसा दिख रहा है, और वो जटायु वाला पूरा स्टैचू दिख रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोग है ना ये वाला फ़ोटो डाले है, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा था स्टेटस। तो भाई हम लोग को एक टर्न मिल गया यहाँ पे, जटायु अर्थ सेंटर, अभी तो वो देख के ही जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट क्या है ना कुछ एक चीज़ नहीं देखने मिलेगी, जटायु अर्थ सेंटर। यस, होप सो ड्रोन उड़ाने मिल जाए। हम लोग भाई पहुंच चुके हैं जटायु अर्थ सेंटर
टिकट्स तो बाहर आई थिंक निकाला, वो अलग टिकट था, अंदर का एंट्री का टिकट कुछ और है शायद से। कुछ रोप वे से ही जाने का हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि क्या है ना, नहीं तो फिर चल चल के जाना ना फालतू में टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा थक भी जाएंगे। तो इट्स बेटर कि रोप वे से हम लोग जाएंगे। 550 रुपये कुछ है पर पर्सन रोप वे का, देखते ऊपर एग्जैक्टली क्या है। जटायू अर्थ सेंटर इज ऑल्सो उन्होंने जटायू नेशनल पार्क और जटायू रॉक। अब ऊपर जाना था तो हमने वेलकम फोटो भी ले लिया है वहाँ पर, और अभी आई थिंक कुछ फर्स्ट फ्लोर पे कैफे भी है यहाँ पर, और हम लोग जा रहे हैं रोप वे की तरफ। रोप वे से जाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बट रोप वे के चक्कर में हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा। जैसे हम ऊपर पहुँचे वैसे ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर है जटायू। ये सी लेवल से 350 मीटर की ऊंचाई पे है। इसके अगर मेजरमेंट की बात करूँ तो 200 फीट लॉन्ग, 150 फीट वाइड एंड 70 फीट इन हाइट एंड ऑक्यूपाइज 15,000 स्क्वायर फीट एरिया। और जिन्होंने ये बनाया उनका नाम है राजीव आंचल। क्या ही मतलब क्या ही कलाकारी है भाई, बहुत बहुत प्यारा मूर्तिकार बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो ना कितना बड़ा है यार, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब भाई साहब ज़बरदस्त। हम लोग एक्चुअली प्लान ये था नहीं, बट हम लोग जब राइट पे निकले थे सडनली मेरे को ये दिखा दूर से, तो हम लोग ने सोचा कि भाई अभी आए ही है तो करके ही जाएंगे। और मैंने थोड़ा सर्च भी किया, मेरे को इतना कुछ आइडिया था नहीं। चलो भाई निकलते, अभी इधर से निकलते निकलते 4 बज गया यार, और यहाँ से अपना डेस्टिनेशन 5:30 बजे तक, मतलब डेढ़ घंटा कुछ बता रहा है। 51 किलोमीटर्स लेफ्ट। देखो एक्चुअली ड्रोन उड़ाना था ऊपर, तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर तो परमिशन ही नहीं देंगे, बट मैंने सोचा था कि नीचे आने के बाद मैं यहाँ से उड़ाऊँ ड्रोन, थोड़ा तो थोड़ा कुछ ना कुछ शॉट्स आ जाएगा, बट टाइम की कमी की वजह से और हम लोग को इतनी जल्दी है तो फिर वो भी प्लान हमने किया ड्रॉप। जटायू अर्थ सेंटर जाने से पहले ATM में गए थे हम लोग, अपने परम मित्र ने ATM से कैश निकाला वहाँ से और कार्ड वहीं पे भूल गया, और फिर अर्थ सेंटर मतलब जटायू के वहाँ पे आने के बाद में अचानक से याद आया कि कार्ड वहीं पे छूट गया। तो हम लोग ने सोचा अभी यार छूट ही गया है, जाएगा मिलेगा वो अलग बात है, बट अभी जो चीज़ के लिए आए हैं जटायू अर्थ सेंटर वो थोड़ा घूम लेंगे। अच्छे से घूम लिया, फिर जाके हम लोग फिर से वो ATM के पास में गए, नसीब इतना अच्छा कि कार्ड वहीं पे था। सोचो ये तो स्टेडियम है हम लोग के होटल के सामने। हाँ अरे तो भाई अपना होटल आ गया, वाह बहुत बड़ा होटल है। हाँ लगेज लगेज फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे होटल रूम में। वैसे अभी यहाँ से है ना 2 किलोमीटर की दूरी पे अपना टेंपल है, वहाँ पे तो कुछ भी करके जाना ही है, इसी के लिए हमने हमारा पूरा प्लान चेंज किया। और रही बात कन्याकुमारी की, का मॉर्निंग में हम लोग कन्याकुमारी की तरफ निकलेंगे, तो सोच रहे अभी 2 किलोमीटर ही दूरी पर है तो अभी जाए या फिर मॉर्निंग में जाए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स मॉर्निंग 3:10। इतना जल्दी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? हम लोग अभी जा रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वहाँ के दर्शन करने। इतना जल्दी क्यों पता है क्या? क्योंकि 3:30 का स्लॉट है, मतलब हाफ एन आवर का यहाँ पे स्लॉट्स वगैरह है, तो वो हिसाब से ही जाना पड़ता है। अभी आई थिंक 3:30 to 4:15 ऐसे कुछ स्लॉट है, उसके बाद में डायरेक्टली फिर और 1-2 घंटे के बाद में वो स्लॉट खुलेगा, तो वो हिसाब से है। इसके लिए जल्दी जाके हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा कोई पब्लिक ना मिले और हम लोग के दर्शन अच्छे से हो पाए। सो भाई मॉर्निंग के 3:30 कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी तो कोई पब्लिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो भाई हम लोग को यही चाहिए था कि अच्छे से आराम से दर्शन हो जाए, इसके लिए ही हम लोग इतना जल्दी आए। जो फर्स्ट वाला जो स्लॉट रहता है 3:30 का, तो उसमें हम लोग आए हैं, पब्लिक तो है वैसे, इतना जल्दी भी पब्लिक आई है। देखो भाई
तो वैसे गाइस दर्शन वगैरह करने थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है, 3:30 का स्लॉट हम लोग ने लिया था, तो वो हिसाब से बहुत अच्छे से दर्शन हुए, ज़्यादा कोई पब्लिक थी नहीं अंदर। और वैसे अंदर एंट्री करने के टाइम पे ना आपको ये सब पहनना पड़ता है इस तरीके से, आप डायरेक्टली नॉर्मल कपड़ों में नहीं जा सकते अंदर। और लेडीज़ रहेगी फिर भी, आई थिंक वो लोग का कुछ साड़ी वगैरह रहता है वो हिसाब से। विष्णु जी की बहुत ही प्यारी ऐसी मूर्ति है अंदर, थोड़ा दूर से दर्शन लिया और उनका ऐसे हाथ एक साइड में था वो दिखा, और अगर नीचे से अगर देखोगे ना तो आपको मुंह भी दिखाई देगा, ऐसा कुछ था। बट एक्चुअली ट्यूसडे है इसके लिए ज़्यादा कोई पब्लिक थी नहीं, वीकडेज है इसके लिए, बट आई थिंक वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश रहेगी। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए तो और भी अच्छा हुआ।